हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो वल्ली थी उसको बस राइडिंग करनी थी और किसी तरह से वो बस में चढ़ जाती है और फिर कंडक्टर जो है वो उसको हेल्प करने की कोशिश करता है सीट पर बैठने के लिए, बट वो उसको नेवर माइंड बोल देती है और कहती है कि मेरी हेल्प करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। अब जो कंडक्टर था उसने स्माइलिंग करते हुए पूछा कि मैडम अब हम चले। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, फिर उसने अपनी जो सीटी थी उसको दो बार बजाया। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोअर, और जो बस थी वो एक रोअर के साथ मीन्स गरजते हुए, इट मीन्स बहुत ही तेजी से वो आगे बढ़ गई। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. ये एक नई बस थी। Its outside, जो इसका जो बाहरी हिस्सा था, painted a gleaming white with some green strips. वो चमकते हुए green strips, चमकता हुआ बहुत ही shining करता हुआ green color था, उससे strips बनाई गई थी अलोंग द साइड, उसके चारों तरफ। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ जो बार्स थी, जो छड़े लगी हुई होती हैं पकड़ने के लिए, जो रोड्स लगी हुई होती हैं सर के ऊपर वाली, वो बिल्कुल सिल्वर की तरह से चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के ठीक सामने अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, वहाँ पर विंडशील्ड के ऊपर एक बहुत ही सुंदर घड़ी लगी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और जो सीट्स थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा आरामदायक थी। वल्ली डिव्यूड एवरीथिंग विद हर आईज, तो वल्ली अपनी आँखों से सब कुछ देख लेना चाहती थी। डिव्यूड मीन्स टू सी। बट वेन शी स्टार्टेड To look outside, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. तो उसने देखा कि खिड़की के जो lower part था, नीचे का जो हिस्सा था, उस पर एक canvas लगा हुआ था, जिससे कि एक पर्दा लगा हुआ था, जिससे कि उसको बाहर का व्यू नहीं दिख रहा था। So she stood up on the seat and peered over the blind. इसलिए वो खड़ी हो गई और उस ब्लिंड, उस पर्दे के ऊपर से देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनाल, अब जो बस थी वो एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। एक नहर थी, जैसे नहर की पटरी होती है, नहर की पटरी से वो बस जो थी वो चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो नहर के किनारे की रोड थी वो बहुत नैरो थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू स्काई। ऑन वन साइड, नहर के जो एक साइड थी, एक साइड तो नहर थी एंड जो दूसरी साइड थी वहाँ पर ताड़ के पेड़ थे, पाम ट्रीज थे, और उसके बाद घास के मैदान थे, और कुछ दूरी तक डिस्टेंट माउंटेन, कुछ दूर पर माउंटेन्स थे, एंड द ब्लू स्काई, और खुला नीला आकाश था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और दूसरी साइड डीप डिच, गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और फिर हरे भरे बहुत दूर तक फैले हुए, कई एकड़ में फैले हुए हरे भरे खेत थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बस चारों तरफ हरियाली थी। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक उसकी नज़र देख सकती थी वहाँ तक उसको हरियाली दिख रही थी। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, तो वल्ली उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि वाव, ये तो सब कुछ बहुत ही वंडरफुल था। सडनली शी वो स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, फिर अचानक वो एक आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तो उस आवाज़ ने उसको कहा कि बच्चे सुनो, तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, सीट पर बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठते हुए, शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, तो उसने देखा कि ये आवाज़ किसकी थी, कौन उसको ऐसे बोल रहा था। इट वॉज एन एल्डरली मैन
who had honestly been concerned for her. ये एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, elderly man थे, जो कि बहुत ही honestly उसके लिए चिंतित हो रहे थे. But she was annoyed by his attention. लेकिन उनके इस attention पर वो गुस्से में आ गई. There is nobody here who is child. तो वो बोली haughtily. She said haughtily. Haughtily means बहुत ही, मतलब एक proud feel करते हुए वो बोली कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है. I have paid 30 paise like everyone else. कि हर किसी की तरह मैंने भी इस बस राइडिंग के लिए 30 paise एज अ फेयर, एज अ जो किराया था बस का, वो पे किया है. द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. अब जो कंडक्टर था वो चिम्ड इन मीन्स अपनी टांग अड़ाई उसने और वो बीच में आ गया और बोला सर ये तो एक बड़ी, बहुत बड़ी ग्रोन अप मैडम है. डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर. आप क्या सोचते हैं कि केवल, मियर मीन्स केवल, एक लड़की, मामूली लड़की, वो अपना किराया दे सकती है एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेले शहर की जर्नी कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है. वल्ली शॉर्ट आंसर्स एंग्री ग्लैंस एट कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम. तो वल्ली ने बहुत ही गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखा और बोली मैं कोई मैडम नहीं हूँ. प्लीज़ रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना. एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है. आई रिमेंबर द कंडक्टर सेड. तो कंडक्टर ने मिमिकिंग हर टोन, उसकी आवाज़ की मिमिक्री करते हुए, नकल करते हुए कहा कि मैं याद रखूँगा. Everyone laughed. वहाँ पर सब हंसने लगे. And gradually और धीरे धीरे वल्ली to join in the laughter. और वल्ली भी उस बस में जो लोग हंस रहे थे उनके साथ join हो गई. Means वो भी हंसने लगी. The conductor punched a ticket and handed it to her. अब जो conductor था उसने एक ticket काटा और उसको हाथ में थमा दिया. Just sit back and make yourself comfortable. तो अब उसको कहा कंडक्टर ने, just sit back, कि वापस अपनी सीट पर बैठो. And make yourself comfortable, और आराम से बैठो. Why should you stand on the seat? तुम सीट पर क्यों खड़ी हो? You have paid for a seat. आखिरकार तुमने इस सीट के पैसे दिए हैं. Because I want to, she answered, standing up again. और दोबारा से खड़ी होते हुए वल्ली बोली कि क्योंकि मैं चाहती हूँ इसलिए मैं नहीं बैठ रही हूँ. But if you stand on the seat, लेकिन यदि तुम सीट पर खड़ी रहोगी, you may fall and hurt yourself. और तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी. When the bus makes a sharp turn or hits a bump. तो कंडक्टर ने उसको कहा कि अगर बस जो है वो तेजी से ऐसे टर्न करेगी, शार्प टर्न लेगी या कहीं टकराएगी, बम्प मीन्स टकराना, टकराएगी तो तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी. दैट्स वाई वी वॉन्ट यू सिट डाउन चाइल्ड. इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली. आई एम 8 years old. तो जो वल्ली थी वो झुंझलाते हुए बोली कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ मैं 8 साल की हूँ. ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई. तो जो वो एल्डरली पर्सन थे वो ये कहना चाहते थे माई चाइल्ड यू आर 8 years old, लेकिन वो बीच में ही रुक गए और बोले हाँ हाँ मैं समझता हूँ. हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मैं समझता हूँ. द बस स्टॉप, लेकिन उसी समय जो बस थी वो रुक. सम न्यू पैसेंजर गोट ऑन एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर अ टाइम अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट. वल्ली फाइनली सेट डाउन. तो जब बस रुकी उसमें कुछ नए पैसेंजर्स चढ़े और जो कंडक्टर था वो कुछ देर के लिए उनके साथ बिजी हो गया बिकॉज उनका भी, उनको टिकट काटना था. तो अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट को खोने के डर से वल्ली फाइनली अपनी सीट पर बैठ गई.
An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. तो एक elderly woman उसमें चढ़ी और वो उसके पास आई और उसके साइड में बैठते हुए बोली कि डियर क्या तुम अकेली हो. और उन्होंने वल्ली से जब पूछा जब बस दोबारा से चल पड़ी थी. वल्ली फाउंड द वूमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली इयरिंग्स इन दैम एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट द वूमन वॉज च्यूइंग एंड सी द बिटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. ओह हु कुड बी सोशियबल विथ सच अ पर्सन. तो वल्ली ने उस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया. वो उसको बहुत ज़्यादा रिपल्सिव. रिपल्सिव मीन्स होता है टू हेट, मीन्स किसी से हेट करना. तो बिल्कुल वो उसको पसंद नहीं आई. सच बिग होल शी हैड इन हर ईयर लॉब्स. उसके कान के छेद बहुत बड़े बड़े थे. एंड सच अगली इयर रिंग्स इन दैम. और उसमें बहुत ही गंदे से इयर रिंग्स उसने पहने हुए थे. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वूमन वॉज च्यूइंग. और जो वो औरत थी वो उसके मुंह में सुपारी थी, वो सुपारी को चबा रही थी. और वल्ली उसकी स्मेल को, उसकी जो बीटल नट की स्मेल थी वो वहाँ तक, वल्ली के पास तक आ रही थी. एंड सी द बीटल जूस. और उसमें से जो सुपारी को चबाते चबाते जो जूस निकल रहा था दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. और वो उस पान की जो पीक थी, जो जूस था, वो किसी भी समय उसके लिप्स तक आ जाता था. मतलब वो जैसे होते हैं ना, कई लोग जब बोलते हैं तो उनके मुंह से ऐसे थूक निकलने लगता है. ओह तो वो उससे परेशान हो गई और वो बोली मुंह बनाते हुए, हु कुड बी सोशियबल विद सच अ पर्सन. कि ऐसे व्यक्ति के साथ भला कौन सामाजिक हो सकता है. सामाजिक होना मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ भला कौन बात कर सकता है. यस I am travelling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. अब जो वल्ली थी उसकी बात का आंसर देते हुए बोली, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही ब्रीफली बोली, हाँ मैं अकेली ही ट्रेवल कर रही हूँ एंड मैंने अपना टिकट भी ले लिया है. यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन. यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट. तो कंडक्टर ने कहा कि हाँ वो टाउन जा रही है और उसने 30 पैसे का टिकट भी लिया है. ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली. तो वल्ली ने उससे कहा कि आप अपना काम क्यों नहीं करती. बट शी लाफ्ड ऑल द सेम. लेकिन जो वो लेडी थी उसकी बात को सुनकर हंसने लगी एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू. और जो कंडक्टर वहाँ पर खड़ा हुआ था वो भी उनकी बातों को सुनकर हंसने लगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस स्टोरी प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.